अब हम नगाव बीच आ चुके हैं। नगाव बीच में भी काफ़ी भीड़ है आज ट्यूसडे को भी। अभी हम हैं रेवांडा बीच और ये बीच कंपेरेटिवली काफ़ी खाली है। तो अभी हम हैं रेवांडा फोर्ट पे, कोल्लई फोर्ट में। तो हम ऐसे ही चुपके से ऊपर अंदर आ गए, पता नहीं इसका मेन गेट तो बंद था। तो कोल्लई फोर्ट के बाद अब हम पहुंच चुके हैं काशिद बीच। यहाँ बाहर से ही काशिद बीच बहुत ही साफ दिख रहा है और वाइट सैंड भी दिख रही है। बीच आज काफ़ी खाली है, आज है वेनसडे, अभी सुबह की बज रही है 9। आप इधर अब देख सकते हैं कि सैंड वाइट है और बीच काफ़ी क्लीन है। तो कोंकण में मुझे पहली बार किसी बीच में थोड़ा वाइट सैंड मिला है। पूरा एकदम वाइट नहीं बोलोगे गोवा जैसा, पर काफ़ी वाइट सैंड है यहाँ पे। तो अभी तक लास्ट दो दिन से जो मैंने बीच देखा उसमें सबसे अच्छा बीच अभी यही लग रहा है। काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे भी चल रहे हैं। पैरा सेलिंग करते हुए तो अभी कोई नहीं दिख रहा, पर ऐसे गाड़ी वाले स्पोर्ट्स और हॉर्स राइड और कैमल राइड, बनाना राइड, ये सब यहाँ पर चल रहे हैं। अभी पीछे नाश्ता हमने ऑर्डर किया हुआ है, तो आज मिसल पाव और पोहा खाएंगे यहाँ पे। पानी काफ़ी क्लीन दिख रहा है मुझे। अभी आज नहाने का मन तो अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन की जर्नी और बची है, तो कहीं आगे बीच में। नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, फिर आके थोड़ा और बीच को एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी सारी काशिद बीच में स्टॉल्स बनी हुई है, कांदा पोहा मैगी सब आपको यहाँ मिल जाएगा। मिसल पाव तो मैंने खाना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी मुझे, तो मुझे याद भी नहीं रहा कि मुझे वीडियो कुछ रिकॉर्ड करना है। तो आइए मेरे साथ इंजॉय करिए मिसल पाव। काफ़ी यम्मी है। काशिद बीच अभी थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम निकलेंगे मुरुड़ बीच के लिए, और मुरुड़ बीच से के बाद मुरुड़ जंजीरा जो फोर्ट है, देखते हैं अगर वो ओपन हुआ तो वहाँ जाएंगे। मैं कोरोना में पता नहीं वो ओपन होगा या नहीं होगा। तो काशिद बीच में पानी काफ़ी क्लीन है और पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बहुत ही सही लग रहा है इधर। तो वाटर स्पोर्ट्स के रेट कुछ 300 रुपये में जेट स्की है, और अगर आप पैकेज देते तो 2-3 वाटर स्पोर्ट्स हो जाएंगे 500-600 में, और पैरा सेलिंग का कुछ 1000 रुपीज़ है। तो कंपेरेटिवली मालवन जैसे हमने किया था पिछली बार तो काफ़ी चीप थे मालवन में सारे रेट्स, यहाँ थोड़े हाई है रेट्स सारे एक्टिविटीज़ के। तो अभी हम काशिद से निकल रहे हैं, अराउंड 1-2 घंटे यहाँ पे रुके काशिद बीच में, और तो मन नहीं हो रहा काशिद बीच से जाने का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा बीच लगा अभी तक जो बीचेस लास्ट 2 दिन में घूमे उसमें ये सबसे अच्छा बीच लगा। तो ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे साउथ हम मूव होते जाएंगे बीचेस और क्लीन और थोड़े वाइट सैंड के होते जाएंगे, पर ये बीच मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो अभी फिर अब निकलते हैं अपन मुरुड़। चुके हैं मुरुड़ बीच और आप देख सकते हैं कि ये बीच भी ऑलमोस्ट खाली है। अभी सुबह की 11:30 बज रही है, तो मैंने यहाँ पे एक भैया से पूछा तो वो बताया कि जो मुरुड़ जंजीरा फोर्ट है वो बंद है, देखते हैं आगे जाके। इसका जो सैंड है वो काशिद बीच के कंपैरिजन में थोड़ा सा ब्लैक है, पर ये बीच भी काफ़ी क्लीन है।
एक ऑप्शन है इस बीच पाने के बाद, वाटर स्पोर्ट्स लगता नहीं है यहाँ पे होंगे ज़्यादा, थोड़ी बहुत बोट राइड वोट राइड हो सकती है, पर एक पदम दुख करके फोर्ट दिख रहा है पानी के अंदर। यहाँ से अराउंड लगता है कि 1 किलोमीटर का होगा दूर, और वहाँ यहाँ से आप बोटिंग करके वहाँ जा सकते हैं। अभी भैया से पूछा था कि कितना चार्जेस है, तो बताया कि 300 रुपये है बोट का चार्जेस पर पर्सन पदम दुख फोर्ट जाने के लिए। इसका सैंड ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम मुरुड बीच पे खाली 5-10 मिनट ही रुके हैं, तो फिर अभी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से मुरुड जंजीरा फोर्ट अच्छे से दिख रहा है, मेरे को लोग भी दिख रहे हैं अंदर, मतलब फोर्ट चालू है। तो हमने अपना बाइक पार्क कर दिया है और थोड़ा इधर क्राउड है तो मास्क पहन लिया है। तो अभी हम मुरुड जंजीरा फोर्ट फाइनली जा रहे हैं, और मेरे को मुरुड बीच में जिन बंदे ने बोला था कि बंद है, उसमें शायद उसे पता नहीं होगा। तो टिकट काउंटर से हमने टिकट ले लिया है, 80 रुपये टिकट लगा मुरुड जंजीरा फोर्ट जाने का। नीचे आप देख सकते हैं कि बोट्स खड़ी हुई है, और वो पास में ही है मुरुड जंजीरा, 15 मिनट लगेंगे, और बोला है कि 45 मिनट्स तक आपको फोर्ट घूम सकते हो, और उसके बाद आप इस बोट आपकी जिस बोट से आए उसी बोट से आप रिटर्न जाना है। तो ये टिकट है और हम अपना बोट का वेट कर रहे हैं अभी। तो अभी हम जंजीरा गेट पर जा रहे हैं। ये मोटर बोट तो नहीं है, बोट काफी बड़ी है। बताया नहीं था, समझाया नहीं था, तो सबसे पहली बात बता आप लोगों को, मैं आप लोग किले में आते हैं, यहाँ पर एक जगह से नहीं 2-3 जगह से बोट आती है। अभी आप लोग आगे राजपुरी गांव से, और अपने को इसी बोट से वापसी होना है। होना डिगी से आती है, ये खोड़ा बंदर से आती है। तो किला देखने के लिए यार, किला अंदर से कुछ छोटा नहीं है, 22 एकड़ में बनाया हुआ किला है। आप देख सकते हैं मुरुड जंजीरा बीच आज वीकडे पे भी पूरा फुल है, काफ़ी भीड़ है, मतलब वीकेंड पे तो यहाँ पे हालत ख़राब होती होगी। चलो आपको मैं मुरुड जंजीरा के वर्चुअल टूर पे लेके जाता हूँ। काफ़ी नॉइज़ है, पता नहीं मेरी नॉइज़ आपको आ भी रही नहीं होगी। टिकट निकालना है, इधर है क्या? यहाँ पे टिकट काउंटर, इंडियन सिटीजन्स का टिकट 25 रुपीज़ है, फॉरेनर्स का 300 है, और चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स एंट्री फ्री है यहाँ। तो जैसे उन्होंने बताया था कि ये तीसरा सबसे भारी तोफ है, आप ये देख सकते हैं इधर, इसका कुछ 20 टन बताया था मुझे जहाँ तक याद रहा है। तो 20 टन का ऑलमोस्ट ये वजन है इसका, मुझे पक्का नहीं है लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। और इधर सब देख सकते हैं काम कर रहे हैं, व्यू पॉइंट से नीचे एक नई बोर्ड भी आई है अभी। मुरुड जंजीरा फोर्ट तो काफ़ी टूरिस्टी था और काफ़ी लोग यहाँ पे थे,
मुरुड़ जंजीरा बीच में टोटल 15 मिनट हमको बोट से जाने में लगे और 15 मिनट आने में लगे, और बाकी 45 मिनट्स का टाइम दिया था। तो 1 आवर से लेकर 1.5 आवर का ये टोटल जर्नी था जंजीरा मुरुड़ जंजीरा फोर्ट देखने का। तो अब हम निकल रहे हैं नई प्लेस के लिए, तो मुझको अभी मैप में देखना पड़ेगा, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे, एक सेकेंड में अब बस आपको मैप में देख के बताता हूँ। तो हम अब अगरगंडा जा रहे हैं, जहाँ से लिखा हुआ है कि अगरगंडा टू डिगी की फेरी मिलती है। तो अभी ट्राई देखते हैं, दिन की 2 बज रही है और फेरी मिलेगी नहीं मिलेगी वो चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम अगरगंडा से हमको डिगी की फेरी मिलती है तो हमको बाइक भी उसी में फेरी में रखना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं फिर अगरगंडा जाके कि फेरी मिलती है या नहीं। तो अभी हम अगरगंडा आ गए और यहाँ से हम अपनी बाइक को फेरी में लेके जाएंगे। तो पीछे एक ये ऑफिस है, वहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। तो टिकट का कुछ 76 रुपये लगा विद बाइक, इंक्लूडिंग बाइक और मेरा। तो काफ़ी चार्जेस कम है यहाँ पे, तो 15 से 20 मिनट ही लगेंगे भैया ने बताया कि डिग्गी पहुँचने में। डिग्गी से फिर हम दिव्यगढ़ बीच जाएंगे, डिग्गी से दिव्यगढ़ बीच पास में ही है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको पूरा रोड रूट पकड़ के नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधे अपनी बाइक को फेरी में लेके जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है वो हर एक घंटे में अगरडंडा से डिगी के लिए, और डिगी से अभी भैया ने एक बताया कि एग्जैक्ट 12 किलोमीटर है दिवेगढ़ बीच। तो काफ़ी बड़ा बोट है ये, और काफ़ी सारी ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 कारें और एक ट्रक भी अंदर आ चुकी है, और हम लोग भी इसी में जाएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। भैया से हमने पूछा था कि इसका कैपेसिटी कितना है, तो 3000 टन तक ये ले आ सकता है बोट। देख सकते हैं अभी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 कारें खड़ी हुई है और एक बड़ा टैंकर भी खड़ा हुआ है। तो काफ़ी कैपेसिटी है इस बोट की, 15 मिनट में ये डिगी पहुँचा देगा हमको। तो दिखने भी लग गया डिगी का जो जहाँ पे हम उतरेंगे।